आपसे शेयर करूं अपने थॉट्स या मैं आपसे सवाल जवाब के माध्यम से हम समझें कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हम सबको एंगेज करें इसमें। ओके, तो डॉक्टर विजय नहीं मिस्टर विजय कुमार हैं यूपी से, जिनको मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, और परवेज अहमद वानी भी है, राइट? तो आप दोनों मुझे ये बता पाएंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि आपने आज तक ये शब्द ही नहीं सुना और मुझे स्क्रैच से बताना है तो ये फिर अन्याय होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बताइए जरा क्या होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। मैम जी, मैम मैं परवेज, डॉक्टर परवेज फ्रॉम कश्मीर। जी मैम, आई बिलीव असिस्टेड टेक्नोलॉजी जो होती है वो कोई भी वो टेक्नोलॉजी जो आपको टीचिंग लर्निंग में मदद देती है उसको हम असिस्टेड टेक्नोलॉजी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो, जैसे आप कोई वीडियो लाते हैं इन सपोर्ट व्हाट यू वांट टू अचीव एज फार एज टीचिंग लर्निंग इज कंसर्न, तो हम उसको असिस्टेड टेक्नोलॉजी, या कोई ग्राफिक्स लाना चाहते हो, कोई भी चीज जो आपकी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनाती है, आई सपोज वो असिस्टेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट, इवन योर टेक्स्ट बुक्स, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, एवरीथिंग दैट वी डू टू मेक द चिल्ड्रन लर्न एंड असिस्ट लर्निंग एज सच इज इंक्लूडेड इन असिस्टेड टेक्नोलॉजी व्हेन वी टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके नवनीत जी, आई रियली लाइक दिस कि जो भी चीज हमें हेल्प करती है, असिस्ट करती है टीचिंग लर्निंग को सुगम बनाने में, शायद हम उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ईशा आनंद बताइए। Thank you. As my fellow friends have already explained, just to add icing on the top, any technology which is assistive in nature, maybe a small tool, maybe a small app, all these things that help in teaching learning process or in the classroom transition in learning, not only for the students but also for the teachers, these are called assistive devices. For example, if I take a small example in our schools, if we have the smart boards, so this smart board is an assistive device for a teacher. Even use of mobile phones with the available videos, audios, and other apps that are helpful in teaching and learning, all these are assistive. Okay. Right. So this helps in like your five senses. It involves your five senses of the learner. He can audibly be assisted. Okay. He can visually be assisted. So now I'm getting five senses apart from the helping in learning. Okay. What else? Anybody else would like to add to this? Ma'am, Alpa Nigam madam has written in the chat box from UP. She is saying technology used by individuals with disabilities in order to perform functions that might otherwise be difficult or impossible. Very good. So Alpa Nigam madam se upar Monica Ritu ji ne bhi kaha hai, I think assistive technology belongs to people with special needs, right? Yes, ma'am. So I'm glad कि आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी को स्पेशल नीड से भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, और किसी ने अभी मुझे कहा कि फाइव सेंसेस, जब हम फाइव सेंसेस की बात करते हैं तो क्या वहां से हमारा कोई लर्निंग नीड्स, लर्निंग स्टाइल इमर्ज होता है? यस मैम, डेफिनेटली। ये बताइए, यहाँ पे सारी फीमेल्स ही क्यों एक्टिव है? मेल मेंबर्स को देखो, इंक्लूजन के नाम पर और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के नाम पर हम इंक्लूजन में एक्सक्लूजन तो नहीं करेंगे, राइट? इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको करना है और इक्विटी बेस्ड हमें सेशन रखना है। ठीक है, देखो दो टर्म्स हैं, बहुत बेसिक चीजों से शुरू करूंगी और कोशिश ये करूंगी कि मुझे पीपीटी न दिखानी पड़े, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन में बहुत मजा आता है, राइट? एंड पीपीटी दिखानी भी पड़ेगी तो दिखा देंगे, कुछ बेसिक टर्म्स आपको बता देंगे, लेकिन टाइम मुझे दिखता नहीं है उसका, मैं पीपीटी आपको सर्कुलेट करा दूंगी ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं टर्म्स की बात कर रही थी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, राइट?
तो विजय कुमार जी आप बता पाएंगे डिफरेंस क्या है इक्विटी एंड इक्वालिटी में? विजय कुमार जी तो अपना स्क्रीन ऑफ करके चले गए. मैं बता सकता हूँ. हाँ, अमनदीप जी बताइए. हाँ जी मैम, माइसेल्फ इज अमनदीप फ्रॉम चंडीगढ़ मैम. बताइए सर. इक्विटी एंड इक्वालिटी, जैसे जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली उसको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं तो इक्विटी एंड इक्वालिटी जो है वो बेटर हो सकती है. जैसे मान लीजिए कई बार हम पिक्चर्स देखते हैं उसमें जैसे बाउंड्री के पार देख रहे हैं बच्चे, एक बहुत छोटा है तो उसको मान लीजिए 2 or 3 स्पोर्ट्स मिल सकती हैं, एक थोड़ा सा हाइट जिसकी ज्यादा है उसको एक स्पोर्ट से भी काम चल सकता है अगर उन्होंने बाउंड्री. अमनदीप जी आप जिस पिक्चर की बात कर रही है वो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल है और बहुत सटीक है इक्विटी और इक्वालिटी को समझने के लिए. हाँ जी. राकेश जी की बात सुन लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ अगर मुझे जरूरत लगी तो. हाँ बताइए राकेश जी. हाँ जी मैम, जैसे हमारे पास 4 रोटियां हैं, हमने 4 अलग अलग लोगों में बांटनी है बराबर. जी मैम मुझे सुन पा रहे? जी बताइए. सॉरी. हाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम 4 लोग हैं और हाँ. हमारे पास 4 रोटियां हैं, हमने बराबर सबको बांटनी है तो वो इक्वलिटी है, हम समान हैं. और समता वहां पर, इक्विटी वहां पर होगी कि हम भूख के अनुसार, किसी को हो सकता है 2 रोटियों की भूख हो, किसी को बिल्कुल भूख ना हो, किसी को आधा रोटी की भूख हो, उस आधार पर जब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विटी आई थिंक. राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. और मैं इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी से जोड़ूंगी. थैंक यू सो मच सर इतना सुंदर उदाहरण देने के लिए. मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज. थैंक यू. हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए प्रोविजन समग्र में है कि सभी को ऑडियो बुक्स देनी है. ठीक है, अब मैंने तो सबको ऑडियो बुक्स दे दी तो ये क्या हुआ? आई एम वर्किंग ऑन इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. लेकिन अगर मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा तो क्या ये ऑडियो बुक्स दे विल हेल्प मी समवेयर इन सम मैनर? नो. जब मेरे को ये हेल्प ही नहीं करेंगी तो मेरी आवश्यकताओं को समझे बिना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग माई नीड्स, पीपल आर गिविंग मी प्रोविजन, पीपल आर फेसिलिटेटिंग माई लर्निंग. ठीक है, तो इक्विटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स फर्स्ट एंड देन वर्किंग ऑन इट. सो नीड बेस्ड, जैसा भी राकेश जी ने भी कहा कि आपको समझना पड़ेगा इंडिविजुअल नीड क्या है, भूख के अनुसार आपको देना पड़ेगा. मिड डे मील का प्रोविजन है, सबको पता है. देयर माइट बी सम चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू च्यू द हार्ड फूड और आप उनको, क्योंकि आपने तो इक्वालिटी बेस्ड प्रोविजन किए हैं तो आप सबको हार्ड फूड ही दे रहे हैं, पूरी भी दे रहे हैं, चने भी दे रहे हैं, बट द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू च्यू इट प्रॉपरली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी में सेम प्रोविजन सबके लिए अप्लाई होता है. इक्विटी गिव्स मी चांस टू मॉडिफाई, कस्टमाइज. राइट राकेश जी, आप हैंड्स डाउन कर लें. थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. एंड अब आगे चलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पर. जब हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो किसी ने लिखा भी है, असिस्टेंस टेक्नोलॉजी इन एनी डिवाइस सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट दैट हेल्प पीपल वर्क अराउंड द चैलेंजेस. राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन किस तरह के चैलेंजेस वो तो समझे हम. और जहां हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो किसी ने शुरू के ही डिस्कशन में कहा था कि स्पेशल नीड्स और 5 सेंसेस. ठीक है, अब अगर आशु जी को अटेंडेंस याद आ रही है तो इसका मतलब वो बहुत बोर हो रही है इस सेशन में. सो ठीक है, मैं थोड़ा और इंटरैक्शन बढ़ाने की कोशिश करती हूँ. तो जब हम 5 सेंसेस और स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक तो है असिस्टेंस और एक है असिस्टिव. तो जब मैं असिस्टिव की बात करती हूँ तो मैं इसको रिलेट करती हूँ स्पेशल नीड से, चैलेंजेस इन टीचिंग लर्निंग. फिर चाहे वो चैलेंज आपके भाषा से संबंधित हो कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ और आपको हिंदी अगर नहीं समझ में आती है तो वो भी एक चैलेंज है. कैन
can technology help me in resolving this challenge? If yes, that is maybe labeled as assistive technology. क्योंकि आपको पता है ऑटो ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं आजकल जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और मेनी अदर लैंग्वेजेस में करते हैं. ये बात और है कि वो मशीन ट्रांसलेशन शायद उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है. कुछ हद तक तो हमारी हेल्प होती ही है, या मुझे सुनाई नहीं देता. सपोज इसी ग्रुप में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सुनाई नहीं देता, पर हाँ टेक्स्ट टू स्पीच भी है और वाइस वर्सा भी है. थैंक यू ईशा आनंद जी. पर अगर मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूंगी, आपके अपने इसी मीटिंग में अभी जूम में क्लोज कैप्शनिंग या लाइव ट्रांसक्रिप्शन का बटन है, तो क्या होगा, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूं वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा. मे नॉट बी इन द ट्रू सेंस, लिटरल वर्ड्स मीनिंग में शायद नहीं जाएगा, लेकिन कुछ हेल्प होती है. एंड दिस लाइव ट्रांसक्रिप्शन सपोर्टेड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ इंक्लूजन कि आप सबका हिस्सा है, ठीक है. और बेहतर तो ये होगा कि मैं जो पॉइंट बोलने वाली हूँ, इस ग्रुप में अगर कोई एचआई व्यक्ति होता जो डेफ है तो मुझे अपनी पीपीटी उस व्यक्ति के साथ शुरू में शेयर कर देनी चाहिए थी, मेन डिस्कशन पॉइंट, तभी हमारा ट्रू इंक्लूजन होगा. तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं लर्निंग को, इंटरेक्शन को पर्सनलाइज कर पाऊं. इसीलिए हम कहते हैं PAL, पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग. वो जो कभी हमारा सपना हुआ करता था ना कि अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं या 34 बच्चे हैं और सबके कुछ डिफरेंट नीड्स हैं और डिमांड्स हैं, किसी को हो सकता है एजुकेशनल बैकलॉग हो, किसी को हो सकता है कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो. जैसे सुबह के सेशन में इंदु जी बता रही थी कि वोल्केनिक इरप्शंस तो आप नहीं दिखाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए तो आपको सिमुलेशंस करना पड़ेगा, आपको AR VR की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो जब आप कंटेंट को इस तरह से एक्सेसिबल बनाते हैं सबके लिए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी. लेकिन जहां मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को CWSN और स्पेशल नीड्स की आवश्यकताओं से जोड़ती हूँ, तो NEP 2020, हाँ बिल्कुल सही कह रही है ईशा जी, लर्निंग एट माई ओन पेस एंड एज पर माई नीड, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ना, लर्निंग एट माई ओन पेस एंड एज पर माई नीड. आजकल घर में सबके घर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन की मोडालिटी में डिसिप्लिन मेंटेन करना, पेस ऑफ लर्निंग को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है. उसके लिए भी हमें ICT हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है. वर्क ट्रैकिंग भी कर सकते हैं. ईशा जी अगर सारा कंटेंट आप ही लिखेंगी चैट बॉक्स में तो मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, ठीक है. 10 मिनट सुन लीजिए, फिर आपसे बातचीत ही करनी है मुझे. मैं बात कर रही थी NEP 2020 की. तो NEP 2020 में 5 तरह के कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें है आपकी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज तो है ही है, चिल्ड्रन फ्रॉम हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन्स भी है, देन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज SC ST रीजनल कल्चरल वेराइटीज हैं वो भी है, फिर ट्रांसजेंडर जेंडर आइडेंटिटीज वाले बच्चों को भी माना गया है, फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी, सोशियो कल्चरल डिसएडवांटेज्ड वाले व्यक्तियों को भी, बच्चों को भी आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ SEDGs. 5 तरह की हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं वहां पर. अब 5 तरह की आइडेंटिटीज की बात NEP ने तो कह दिया, लेकिन इन 5 कैटेगरीज में भी बहुत वेरिएशन है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करूं तो विद इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी 21 डिफरेंट कंडीशन हैं डिसेबिलिटीज एंड डिजीजेस की. कितनी? 21. सुबह प्रोफेसर बेहरा ने भी कहा था 21 तरह की डिसेबिलिटी कंडीशन है, और ये RPWD एक्ट 2016 के बाद की बात है. अगर मैं आपको 30 सेकेंड्स दूं, आप काउंट कर सकते हैं कितनी तरह की डिसेबिलिटीज हैं, आपको याद आती हैं?
चलिए करके देखिएगा कितनी तरह की डिसेबिलिटीज के नाम आप लिख पाते हैं, 10, 12, 17 कितनी, ठीक है। और उसके बाद फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो डिसेबिलिटी शेड्यूल है वो नेट पे इजीली अवेलेबल है, आप वहां से टैली करिएगा कि कितनी रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज है और कितनी कंडीशंस को हम ऐसे ही ऑफ हैंड कह देते हैं कि इसको तो ये परेशानी है उसको वो परेशानी है, क्या वो वाकई में डिसेबिलिटी कंडीशन है भी कि नहीं है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमारी मदद करती है। और क्योंकि आप और मैं एजुकेशनिस्ट है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो जो एजुकेशन से रिलेटेड सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमारी मदद करेगी। तो लेकिन ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे कैसे? एग्जाम्पल्स लर्निंग स्टाइल और 5 senses में इसको जोड़ना चाहती थी, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। आपने सुना होगा यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया है आर्किटेक्चर से एजुकेशन में। आपको अगर आप मॉल में जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखते हैं ना सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको डिसेबल्ड फ्रेंडली वॉशरूम भी वहां मिलता है, आपको रैंप बना हुआ एंड दैट टू विद गुड ग्रेडियंट। वो रैंप ऐसा नहीं होता कि आप चढ़ने की कोशिश करो आप लुढ़क जाओगे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है गाइडलाइंस में, कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस में, कि रैंप का क्या ग्रेडियंट होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, क्या मटेरियल लगना चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए वो रैंप बनता है। तो मॉल में जब हम ये सारी सुविधाओं की बात कर सकते हैं तो क्या ये सारी सुविधाएं हम क्लासरूम में अपने बच्चों को नहीं दे सकते? दैट टू विद द हेल्प ऑफ ICT, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है लर्निंग को पर्सनलाइज्ड और अडैप्टिव करने के लिए, ठीक है। अब जैसे सोनम जी कह रही है अ चाइल्ड विद विजन प्रॉब्लम नीड्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग, सो वी कैन से दीज टेक्नोलॉजीज आर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, आई विल कम टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट। सो सोनम जी कीप दिस इन योर माइंड। एंड जाकिर हुसैन जी थैंक यू सो मच, आप लिख के भेज रहे हैं, पर आप ये एक्सरसाइज पोस्ट सेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं नहीं पता कर पाऊंगी कि कितने लोगों ने गूगल की हेल्प ली और कितने लोगों ने नहीं ली। सो दिस इज फॉर योर ओन लर्निंग। सो लेट मी कम बैक टू UDL, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग क्या कहता है? उसके 3 मोटे मोटे से प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पहुंचा रहे हैं उसके मल्टीपल मोडालिटीज हो। और वो क्या मोडालिटीज हैं? आपकी टेक्टाइल मोडालिटीज हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, विजुअल हो सकती है, ICT बेस्ड हो सकती है, ठीक है, और हैंड्स ऑन भी हो सकती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग तो यही कहती है। तो मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, जब मल्टीपल मोड से आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, कार्टून्स भी उसमें शामिल है और जितनी भी तरह का ई कंटेंट का फॉर्मेट सुबह आपके साथ शेयर हुआ है वो भी उसी का पार्ट है, ठीक है। सिंपल सा PPT, ये भी एक मोडालिटी है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, ठीक है। देन सेकेंड प्रिंसिपल कहता है मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि जितने तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उतने ही तरीके से बच्चे को भी तो अलाउ करिए ना कि वो आपको अपना आउटपुट दे सके, चाहे वो कोलाज की फॉर्म में दे, चाहे PPT की फॉर्म में दे, चाहे ऑडियो आउटपुट की फॉर्म में दे। अब मुझे ये बताइए अगर कोई बच्चा आपको कहे कि नहीं जी मैं आपको लिखित में आंसर नहीं देता हूं, मैं आपको ऑडियो में आंसर दूंगा, विल इट बी एक्सेप्टेबल फॉर यू एज ए टीचर और टीचर एजुकेटर? गुरमेल सिंह जी सिर हाँ में सिर हिला रहे हैं, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा ये देख करके। पर जो भी लोग बाकी मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं दे आर लाइक अ लिटिल न्यूट्रल, उनको नहीं समझ में आ रहा इसका क्या आंसर होना चाहिए। कुछ लोग चैट पे भी लिख रहे हैं नो यस नो यस, दीज आर द आइडियाज, है ना, ये आइडियाज है। ये एक सिंपल सा आइडिया है कि ICT को यूज करके मैं कैसे लर्निंग अडैप्टिव कर सकती हूँ। आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी कहता है
कि जब एग्जाम टाइम आते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जो हमारे स्क्राइब्स हैं, राइटर्स हैं, आपको पता है ना राइटर और स्क्राइब का प्रोविजन होता है पब्लिक एग्जामिनेशंस में बोर्ड्स ने, तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ राइटर और स्क्राइब के ना डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अब जब डिमांड बढ़ती है तो उनके चार्जेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम तो आपको चार्जेस नहीं देता, वो तो सिर्फ प्रोविजन दे रहा है। तो क्या हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की मदद से इंस्टेड ऑफ रिटन आंसर्स कैन वी एक्सेप्ट ऑडियो आंसर्स? ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। आप कहेंगे ये तो अथॉरिटीज सोचेंगी, आई एग्री कंप्लीटली, पर अथॉरिटीज को भी इस तरह के आइडियाज कोई तो देगा, किसी को तो देना है, वो डिमांड ग्राउंड से आएगी। ठीक है, और जिन स्क्राइब्स और राइटर्स की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी उनकी होती है। फाइन, तो एक हमें इस बात पर भी सोचना है। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन की बात। फिर एंगेजमेंट, ये थर्ड प्रिंसिपल है यूडीएल का, मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट। मल्टीपल मोड ऑफ एंगेजमेंट भी मल्टीपल मोडालिटीज की बात करता है। दैट मीन्स आई एम नाउ विजुअलाइजिंग अ क्लास जिसमें एक बच्चा साइन लैंग्वेज के वीडियोस देख करके पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा ऑडिटरी मोड से पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहा है, चौथा शायद अकेले बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे बुक्स कॉर्नर में, कुछ बच्चे स्मॉल ग्रुप में बैठ के काम करना चाहे, कुछ बच्चे शोर मचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाकर के पढ़ना चाहे। एज ए टीचर, एम आई रेडी टू हैंडल दिस केओस इन द क्लास? शायद नहीं, है ना, क्योंकि बीइंग टीचर जो ट्रेडिशनल रोल एक्सपेक्टेशन है वो तो यही कहता है, क्या कहता है, डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो कॉरिडोर से गुजरता हुआ कोई भी कंप्लेंट करेगा कि तुम्हारी क्लास में क्या है, मछली बाजार बना हुआ है, राइट? सो एज ए टीचर वी हैव टू गो बियॉन्ड द एस्टैब्लिश्ड आइडियाज ऑफ डिसिप्लिन एंड एस्टैब्लिश्ड आइडियाज ऑफ एंगेजमेंट। फाइन, एक प्रोफेसर मेरे कहा करते थे, बच्चों को अगर आपने समझ का चस्का लगा दिया, फिर वो चाहे किसी भी तरह से लगाया हो, एज ए टीचर यू हैव डन योर जॉब। समबडी, सुशीला जी हैज रेज्ड हैंड, बताइए, आप म्यूटेड है। बताइए, आप अभी भी म्यूटेड हैं? नो मैम, मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लिया सभी ये कहें क्लास में नहीं हो पाता कि हम सभी बच्चों को उनके हिसाब से आंसर करने के लिए कहें या पढ़ने के लिए कहें, जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बोलकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ साइलेंटली पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि एक बार उन्हें कंटेंट समझाने के बाद हम उन्हें कह सकते हैं कि बेटा अब आप अपने हिसाब से इस कंटेंट को थोड़ी देर के लिए आप इसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा, जैसे हम पीयर ग्रुप की बात करते हैं, एक बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम अच्छे बच्चे को उसके साथ बिठा के कह सकते हैं कि बेटा आप होल्ड दिस थॉट ऑफ अच्छा बच्चा। ठीक है, लेट मी कम बैक टू इट। तो दो पॉइंट्स पे मुझे अभी बात करनी है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की नीड्स को ऑडियो बुक्स के थ्रू हम कैसे आंसर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, एंड रिमाइंड मी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस अच्छा बच्चा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे बच्चे का, इसका मिथ भी तोड़ने की जरूरत है। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सेशन है तो अलाउ मी टू से दिस थिंग कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके और मेरे लिए तो सिर्फ सहूलियत भर है। क्या कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है तो मैंने बोल करके टेक्स्ट टू स्पीच कर लिया या स्पीच टू टेक्स्ट कर दिया, लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनके लिए नए रास्ते खोलती है, जो उनके लिए चीजें संभव बनाती हैं। ठीक है, सो यहां पे संभव करने की बात है चीजों की। ओके, तो इसीलिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, जो इक्विटी बेस्ड हो, एंड इट इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजी फॉर CWSN। आप सभी स्मार्टफोन यूज करते होंगे, आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स में, आपके सिस्टम्स में एक है एक्सेस सेंटर या सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी,
हर सिस्टम में होता है। टॉकबैक फीचर आपने सुना है, ठीक है ना, ऐप आपने सुना है टॉकबैक, बच्चे खेलते भी हैं। टॉकबैक फीचर की हेल्प से जो ब्लाइंड पर्सन हैं और स्टूडेंट्स हैं वो अपने फोन को बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं। पर क्या आपको और मुझे ये चीज पता है? शायद नहीं पता है, तो आप एक्सप्लोर करिए इसे भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं वो शायद 3:10 तक आ जाएंगे, तो मुझे उससे पहले वाइंड अप करना है। सो लेट मी कम टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर ऑडिटरी रिसोर्सेस, ऑडियो रिसोर्सेस, ठीक है। मैं आपके साथ पूरा स्क्रीन तो पीपीटी का नहीं शेयर करूंगी, पर एक स्क्रीन मुझे शेयर करना है, ठीक है। किसी ने अभी कहा कि ब्लाइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो रिसोर्सेस दे सकते हैं। वेरी ट्रू, हम बिल्कुल दे सकते हैं ऑडियो रिसोर्सेस। मैंने स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ, क्या दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर? कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? बिगर एंड स्मॉलर, हाँ, ठीक है। और ये डिजिटल रिसोर्स तो है क्योंकि टेक्स्ट बुक है हमारी, राइट? टेक्स्ट बुक है, डिजिटल रिसोर्स है। सो दैट मींस अगर मेरे पास फिजिकल टेक्स्ट बुक नहीं अवेलेबल है तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ई कंटेंट। बेशक इंटरैक्टिव नहीं है, पर पीडीएफ फॉर्म में है, फ्लिप बुक की फॉर्म में है, ओके। पर मेरा सवाल अब ये है कि जो बच्चा देख ही नहीं पा रहा, उसके लिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं ऑडियो में? कहना तो बहुत आसान है कि ऑडियो में कन्वर्ट करें, कौन करेगा बताइए जरा? कोई कोशिश करना चाहेगा इस कंटेंट को हम कैसे ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर इसकी जगह इंग्लिश होती, हिंदी होती। हाँ, सीमा जी कह रही है साउंड लाउडर, तो सीमा जी आप ही बताइए इस पेज को देखते हुए कैसे कैसे बोलना पड़ेगा मुझे? नवनीत जी कोशिश करना चाहेंगी, बताइए नवनीत जी। मैम इट्स लाइक बड़ा जी, छोटा। एक बात बताइए नवनीत जी, जो बच्चा देख नहीं पा रहा वो हियरिंग इम्पेयर तो नहीं ही है ना? यस मैम, वो एचआई नहीं है मैम। जब हम बिगर बोल रहे हैं तो हम उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ ऑटोमेटिक, जब हम बिगर बोलेंगे तो हम साउंड को भी लॉन्ग कर देते हैं, बिगर। क्यों करना? ये तो वही बात हुई, याद है जब शुरू शुरू में हम लोग ट्रंक कॉल्स किया करते थे तो जो जितना ज्यादा दूर है हमारी वॉइस भी उसी हिसाब से ज्यादा लाउड हम बात करते थे। नहीं नहीं चलेगा ये आइडिया, सॉरी। ईशा आनंद, यस थैंक यू मैम। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, so if we talk about the visually impaired, the best way is to, you know, make him understand the concept of bigger and smaller. Try to give him two different things, you know, so that he can judge them. Isha ji, aap bhatak rahi hain. Aap ye sochiye maine screen par wo picture kyun dikhai hai? मुझे वही वाला पेज, मुझे वही वाले पेज का ऑडियो करना है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन करना है, ठीक है। मुझे यूडीएल बेस्ड कंटेंट बताना है। अगर बाकी बच्चे इस पेज की वर्कशीट कर रहे हैं तो वो बच्चा जो वीआई है वो क्यों दूसरा करे? तो मैम ही कैन हिप्पोपोटामस इज बिगर देन अ डॉग, इज इट राइट? अ हिप्पोपोटामस सही है, पर आपने तो आंसर दे दिया, आपने तो आंसर दे दिया। हेलो, एक मिनट, बहुत सारी लड़कियों ने बात कर ली, एक मेल मेंबर को भी जगह दे दो बात करने। हेलो जी मैम, मैं भी आंसर देना चाहूंगा। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बताइए सोनम जी। जी मैम, हम ऐसे भी कर सकते हैं मैम, जब हम बड़ा बिग बोलते हैं तो हम बच्चे के बॉडी को पकड़ सकते हैं, और जब हम स्मॉल बोलते हैं हम उसके फिंगर को पकड़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर इसी कंटेंट, यही लाइन पकड़िए, यही लाइन पकड़िए और कंटेंट बताइए। हाँ जी पंकज जी। हाँ मैम, एक्चुअली अगर हम मैम यहाँ पे हम कुछ कहना चाह रहे हैं।
पंकज जी की सुन लेते हैं सर, फिर आपके पास आते हैं। हाँ, जो हमारे पास केस सुना है, अगर हम उसके एस्पेक्ट में ही बात करें तो वी कैन यूज द साउंड ऑफ द एनिमल्स। बिल्कुल सही, इस थॉट को भी रखिए, एनिमल साउंड भी यूज करेंगे, बॉडी पार्ट्स भी यूज करेंगे, तो दो तो बहुत अच्छे आइडियाज आ गए। अभी मैं कुछ कहना चाह रही थी मैम, आपसे पहले एक और सर कहना चाह रहे थे कुछ। ओके ओके जी सर बताइए। मैम जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और चूंकि वो विजुअली कुछ देख नहीं पा रहा है, वो साउंड को सुन पाएगा और चीजों को स्पर्श करके महसूस कर पाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में आप चीजों को स्पर्श कैसे कराएंगे? और हिप्पोपोटामस को तो आपने भी स्पर्श नहीं किया होगा कभी। मैंने तो नहीं किया। जैसा कि सर ने कहा कि उसके पास जो चीजें हैं, जैसे उसका शरीर हुआ या उसके आस पास जो पश्चिम छोटी या बड़ी चीज पाई जाती हैं, जो ऐसा नहीं कि उसको जाना पड़े, जो उसके घर में हो, उसके आसपास, जैसे उसकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, उसकी किताबें हो गई, बिल्कुल उसके बैग हो गए, इत्यादि चीजों के माध्यम से छोटे बड़े का या उसमें जो अंतर है उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैडम मैडम यस मैम हेलो मैडम, मैं धनसिंह मीणा राजस्थान से। हाँ बोलू मैं? बोलिए सर, बोलिए। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा, जो ये पिक्चर्स है ना, उस पर आपने जो आपने ये जितने भी विभिन्न प्रकार की पत्तियां और ये टायर वगैरह जो दिखा रखे हैं, एक्चुअली इनका मौखिक वर्णन कर दिया जाए कि जो टायर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये इसके बड़े होते हैं और इसमें छोटे और बड़े के भेद हो जाए, पत्तियों का भी उसको भेद कराया जा सकता है छोटी बड़ी का, इसका मौखिक वर्णन पूरी तरह से अगर हो जाएगा तो उसको वो चीजों का कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा साथ साथ में। धन सिंह जी ये एक्सरसाइज इसीलिए तो है, आप बताइए ना मुझे कैसे वर्णन दू। मुझे फिर मोनिका को बोलना पड़ेगा, बाकी सबको म्यूट करें। धन सिंह जी बोलिए। हाँ मैम, मैं इनफैक्ट आई वांटेड टू कम इन बिटवीन कि आप लोग हैंड ही रेज कीजिए, मैं सबको मॉडरेट कर दूंगी, इस तरह से तो सेशन वो हो जाएगा बिल्कुल। हाँ अब आप बोलिए सर। धन सिंह जी आप बोलिए प्लीज। जी धन सिंह जी, सर आप म्यूट हैं। धन सिंह जी आप म्यूट हैं। मैम एक बात और कहना चाह रहा था, जब इसको छोटे और बड़े का कंसेप्ट बात हो गई है, धन सिंह जी की सुनते हैं। हाँ जी, छोटे और बड़े का जब कंसेप्ट देना है तो जो उसका पूरा मतलब हम उसको बच्चे का बेसिक लेवल अगर जानते हो पहले से, भाई बच्चा इन इन चीजों का कंसेप्ट रखता है, तो उसी आधार पे अगर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई ये जानवर है वो बड़ा होता है, ये जानवर छोटा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर से दो पिक्चर्स हैं जिसमें से एक जैसे डॉग की है, एक शेर की है, शेर बड़ा होता है बजाय डॉग के, इस तरह के हम ऑडियोज अगर उसको देंगे तो निश्चित रूप से उसके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप उसको दे सकते हैं कि यहाँ पर दो पत्तियां के हैं जिसमें से एक पत्ती नीम की है, एक पीपल की है, पीपल की पत्ती बड़ी होती है, नीम की पत्ती छोटी होती है। बिल्कुल ठीक धन सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मैं जिनके भी हैंड रेज है, मैं किसी का नहीं सुन रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया आप लोग किस लाइन पे बात करने वाले हैं और आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं। देखो मेरा चैलेंज इस पेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो ई कंटेंट डेवलपमेंट में मेरा चैलेंज ये है कि यही वाले पेज की वर्कशीट मैंने सारे बच्चों को दिखाई, ठीक है, सबने तो आंसर किया और सबको मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने आंसर तो नहीं दिया, ठीक है, जबकि आंसर टिक द स्मॉलर टायर, टिक द स्मॉलर, टिक द बिगर, ये तो वर्कशीट ही हो गई ना। अब इस वर्कशीट को अगर मुझे ब्लाइंड बच्चे को भी देना है तो ऑडियो मेरा इस तरह का होना चाहिए कि उसको आंसर नहीं पता लगे, ठीक है। और अभी किसी ने मुझे चैट बॉक्स में भी लिख करके बताया है कि हम बॉडी पार्ट्स, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा वो आंसर दिया है, अभी मैं नाम भूल गई उनका, मेरे को चैट ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। हाँ मेघा चौहान जी, मुझे तो ये लग रहा है जैसे मेघा चौहान जी ने कहीं मेरा कोई पुराना सेशन सुना हो, पार्टिसिपेट किया हो, इतना सटीक है उनका कि आप सीधा ये कह सकते हो
कि इस पेज में तीन कितनी, लेट मी ऑल्सो ओपन इट क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, इस पेज में तीन प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न में एक पिक्चर है और हर पिक्चर में दो चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो हम पहली पिक्चर की बात करते हैं, पिक द बिगर। यहाँ पर दो जानवर दिखाए गए हैं, एक जानवर आपके शरीर जितना आपका पूरा वजन है उससे बहुत ज्यादा है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी आपकी लंबाई से ज्यादा है, और जो दूसरा जानवर दिया गया है वो शायद आपके घुटने तक या कमर तक आएगा। तो बताइए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने आंसर तो नहीं दिया ना, लेकिन मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पिक्चर और इस एक्सरसाइज का मतलब क्या था यहाँ पर, इसका मतलब यह था, देखो बहुत आसान होता है मेरे लिए भी एज ए टीचर एजुकेटर एज ए पर्सन हु इज सिटिंग ऑन दिस चेयर कि मैं बहुत ऑफ हैंड कह दूं कि जी ऑडियो में दे दो ई कंटेंट तो वीआई बच्चों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन वो ऑडियो में बनाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना। फेस टू फेस क्लास होती है तब तो आप वन टू वन, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स करते ही हैं वन टू वन सेशंस, लेकिन एनईपी 2020 वो है इंक्लूसिव क्लासरूम्स, और जब इंक्लूसिव क्लासरूम्स की लर्निंग है और अभी दो ढाई साल से हम लोग आईसीटी में भी पारंगत कुछ ना कुछ तो हो ही गए हैं, तभी तो हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम स्टेट रिसोर्स ग्रुप की ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ ई कंटेंट पर हम बातचीत कर रहे हैं, राइट। तो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज क्या है, पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स। मेरी क्लास में अक्सर मैं देखती हूँ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ते पढ़ते जगह खो देते हैं कि कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं या कहाँ पढ़ रही हूँ, वर्ड छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हमें क्या करना है उस कंडीशंस में, इमर्सिव टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की भी बात सुबह प्रोफेसर बेहरा ने की है। तो एक तरह का आपकी ऐप एंड टेक्नोलॉजीज ऐसी भी है जो सिर्फ उसी लाइन को उसी वर्ड को हाईलाइट करती हैं जो आपको पढ़ना है, तो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक विंडो आ जाती है जो बैकग्राउंड को धुंधला कर देती है और जो पढ़ना है आपको उसको उभार देती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होगा, कभी आपके स्कूल में भी अगर स्पेशल एजुकेटर्स हैं कॉलेज में भी है या आपका खुद का एक्सपीरियंस भी रहा होगा। हम पूरे पेज से एक स्लिट काटते हैं, बीच में एक रेक्टेंगल सा काटते हैं, उसको हम टेक्स्ट बुक के ऊपर रखते हैं और लाइन बाय लाइन हम मूव करते हैं, ठीक है। तो इमर्सिव टेक्नोलॉजी इसी का आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशन है। जब हम इस तरह के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम लर्निंग को ना केवल एंगेजिंग बनाते हैं, हम एक्सेसिबल भी बनाते हैं, हम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे बच्चे भी मेरी क्लास में हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। इंदु जी ने आपको कॉमिक स्ट्रिप्स एंड लर्न थ्रू कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सुबह दिया है, ठीक है। सो ये जो बच्चे हैं, एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जब आप आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग करते हैं, जब आप कॉमिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं, आपको पता है ना वो बच्चा जिसको 5 मिनट भी घर में बिठाना शांति से मुश्किल होता है, वही बच्चा आधा घंटा पौना घंटा टीवी से ग्लूड रहता है अगर उसका कार्टून मनपसंद आ रहा हो, ठीक है। सो उस वक्त उसका अटेंशन स्पैन क्यों बढ़ जाता है, मे बी कंटेंट एंगेजिंग है, मे बी कार्टून कैरेक्टर से उसने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या उसी कार्टून कैरेक्टर को लेकर के मैं करिकुलम से नहीं जोड़ सकती हूँ, बिल्कुल जोड़ सकती हूँ। राइम्स बच्चे को बहुत जल्दी याद होती हैं, ठीक है, इनफैक्ट बड़ों को भी, बड़े बच्चों के साथ भी ये ट्राई किया है, अगर आप उनको थ्योरम्स कॉन्सेप्ट्स याद करने के लिए कहो और उसी का रैप बना के दे दो, बच्चे पीयर ग्रुप में भी ये काम कर सकते हैं, तो क्या होगा वही कंटेंट आपका राइम में आ गया तो वो याद करना आसान हो जाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन भी हम कर सकते हैं और ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का भी एक पार्ट है, ठीक है।
ओके अब अच्छे बच्चे को टच कर लेते हैं, उसके बाद आप सबकी बातें हम वन बाय वन सुन लेंगे। सो अच्छा बच्चा कौन है? पता है जब मैं स्कूल में पढ़ा रही होती थी तो आई यूज टू से दिस अगेन एंड अगेन, अच्छे बच्चे कैसे, बाकी सारे बच्चे मुंह पे उंगली रख करके दे यूज टू टेल कि ऐसे अच्छे बच्चे। तो इससे क्या हुआ, सबकी अटेंशन भी आ गई, मुझे ये भी पता लग गया कि जी कौन मेरा मेरी बात पे ध्यान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। पर आज डिजिटल एजुकेशन के माध्यम में क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना चाहूंगी? शायद नहीं। एनईपीबी कहती है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, एनईपीबी कहती है गो बियॉन्ड योर ट्रेडिशनल मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग ऑफ वॉटरटाइट रिसोर्सेस, वॉटरटाइट सब्जेक्ट्स। आपने शायद सोचा होगा कभी कि मैं गणित के साथ कितना अच्छा होता, मुझे म्यूजिक पढ़ने का मौका मिलता, या सिंगिंग मेरा मेन सब्जेक्ट होता और उसके साथ मैं फिजिक्स या बायोलॉजी को मैं क्लब कर पाता या कर पाती, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात मैं यहाँ उठा रही हूँ, जब आप और मैं स्टूडेंट थे तब शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन एनईपी ने बात की है फ्लूइड फ्लूइडिटी, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो उसमें भी ये चीजें हमारी बहुत काम आने वाली हैं। तो इसी तरह से अच्छे बच्चे का कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा कि अच्छा बच्चा हमेशा वो ही नहीं है जो टीचर की बात सुने, अच्छा बच्चा हमेशा वो ही नहीं है जिसके बहुत अच्छी अकेडमिक परफॉर्मेंस हो। एंड यू ऑल नो द एग्जाम्पल्स ऑफ आइंस्टीन एंड ऑल द थिंकर्स एंड इनोवेटर्स, ठीक है, जो क्या है, जिन्होंने शायद कभी स्कूल के नियमों को माना ही नहीं है, दे हैव बीन अ रिबेलियन, तभी तो वो कुछ नई चीजें सुन पाए, कुछ नई चीजें सोच पाए, है ना। तो हमें बहुत सारी जो हमारी स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। सो आई बिलीव आई हैड टाइम ओनली दिस मच, बाकी मोनिका बताएंगी। मोनिका कुछ और टाइम ले सकते हैं? मैम 5 मिनट्स आई थिंक मोर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, शी इज बीइंग सो जेनरस ना मोनिका। धन सिंह जी आपकी बात सुन लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आप कन्विंस नहीं है, बताइए ब्रीफ में बताइए आपने आपको। बिल्कुल कन्विंस हूँ मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उस समय मेरा एक आइडिया आ रहा था, जैसे मान लो पिक्चर्स की बात अपन ने कहना, तो इसमें स्मॉलर जैसे बिगर्स और स्मॉलर का ही सिर्फ कंसेप्ट उसको देना था, न कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसको देना था, सिर्फ स्मॉलर बिगर का देना था। तो अगर ऑडियो फॉर्म के साथ साथ अगर हम उसको और भी चीज वहां मौजूद है उनसे भी मतलब मल्टी अप्रोच के साथ दे सकते हैं, ये मैं कह रहा था। जी थैंक यू सो मच सर, क्योंकि UDL तो कहता ही है मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि UDL ये भी कहता है कि जो कंटेंट आप एक बच्चे को दे रहे हो उसी से सिमिलर कंटेंट आपको दूसरे को भी देना है। तो अगर सभी बच्चे इस तरह की वर्कशीट कर रहे हैं तो ये वाला बच्चा भी ऐसा ही करे। चलिए लास्ट की दो चीजें और ले लेते हैं, एक हम सुन लेते हैं संजय कुमार जी को, उसके बाद सुशीला जी का सुनते हैं। जी संजय जी। नमस्कार मैडम, आपकी बहुत अच्छी वाणी से हम सभी ओतप्रोत हुए हैं। मैं ये समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हैं कि हम रटाने की ज्यादा कार्यवाही करते हैं बजाय उसके कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम बच्चे को नाउन के बारे में बताते हैं, लेकिन नाउन को बताने से पहले यदि हम ये उसको बताना शुरू कर दें कि नाउन छोड़ो, नाम नेम आप छांटे कहीं कहीं से, तो वो कंसेप्ट की तरफ अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अब आपने एक विजुअल की तरफ बात की, ये कंसेप्ट है, एक डॉग या एक पत्ता या ये जो भी चीजें हैं कंसेप्ट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बुक्स की तरफ भागते हैं बजाय उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए क्योंकि बच्चा, हर एक बच्चा सीखने के ऊपर पूरी तरह से तन्मय रहता है, चाहे एक शब्द कहूँ शरारती बच्चा हो चाहे वो अच्छा बच्चा है, दोनों ही सीखते हैं, दोनों ही सीखने की तरफ भागते हैं। लेकिन हम टीचर्स की वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि हम उसको कैसे सिखाएं, वो किस तरह से सीखना चाहता है, हमें उस तरफ से चलना चाहिए। हम अपनी तरफ से चलते हैं,
जबकि हम बच्चे की तरफ से चलना छोड़ देते हैं. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. क्योंकि इसीलिए देखिए आरती जी भी कह रही है एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड अच्छे बच्चे हैं, और संजय जी आपने तो लिखा भी है बट वी नीड स्पेशल टीचर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. सर यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ, हमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की जरूरत है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन ऑडियो इनपुट देने के लिए आपको स्पेशल एजुकेशन टीचर की जरूरत नहीं है. आपको स्पेशल एजुकेशन टीचर की जरूरत शायद इसलिए हो सकती है कि आपकी क्लास में एक सीवियरली चैलेंज्ड बच्चा है, तो आप उसकी देखभाल कैसे करोगे, उसको उस तक आप एक्सेसिबल लर्निंग रिसोर्सेस कैसे बनाओगे. आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, उसके लिए आपको एक स्पेशल एजुकेटर की या साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है. मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जैसे अब आपने कहा कि जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है ना, तो इस तरह के बच्चे तो हमारे स्कूलों में बहुत कम ही आते हैं, ना के बराबर ही आते हैं. एक बात, यदि वो बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास उसके लिए स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हम उसको कैसे सिखाएंगे. संजय सर मैं मान गई, लेकिन मैं आप ही का एग्जाम्पल यहाँ पे पिक करना चाहती हूँ, ब्लाइंड बच्चे का. ठीक है, वो बच्चे आउट ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट इजीएस्ट कैटेगरी और कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी जिसको इंक्लूड करना आसान है. ठीक है, आप लोग सोच लें इस बारे में, क्योंकि सब अपनी अपनी राय, आपकी अपनी जगह ठीक है. ठीक है, लेकिन किसी और को भी मैं चांस नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मुझे 5 मिनट का ही टाइम दिया गया है. कैन वी से एम्पथी असिस्टिव टेक्निक्स. देखिए बिना एम्पथी, बिना सेंसिटाइजेशन के तो कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, तो वो तो जरूरी ही है, उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक तरीका है मेरे पास, मेरे पास पानी का ग्लास रखा है और मैं कहूं कि जी इसमें आधा पानी है और आधा खाली है, फैक्ट ऑफ लाइफ तो वही है. ठीक है, लेकिन अगर मैं फोकस आधे भरे हुए पे रखूं तो क्या होगा, तो मैं कुछ और भी सोच पाऊंगी करने के लिए. तो आपको अपनी एबिलिटीज पर ही फोकस रखना है कि हाँ मैं बोल तो सकता हूँ, मैं बोल तो सकती हूँ, तो लेट मी क्रिएट ऑडियो रिसोर्सेज. इसीलिए तो ये ट्रेनिंग है कि आप हैंड्स ऑन भी करेंगे इसमें. सुशीला जी आपकी बात सुनकर के बस फिर मैं हैंड ओवर करूंगी मोनिका को. थैंक यू मैम. मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपको जो आप विजुअल कर रहे हो, जो आप बच्चों को कंटेंट दे रहे हो, वही आपको उन बच्चों को दिखाना है या समझाना है जो ब्लाइंड है, तो मैं इसके ऊपर एक कविता बनाना चाहूंगी, जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए करते हैं. कि मैं हूँ शरीर से बड़ा, मेरा नाम है हिप्पो पड़ा, और तुम्हारे शरीर से मैं दुगना बड़ा, एक है पास में मेरे आया कुत्ता जो मेरे घुटनों तक आया. ऐसा कर बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं सुशीला जी, अच्छा अटेम्प्ट है. और इस तरह की कविताएं अगर आप मुझे क्लास 1 की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक पे बहुत सारी लिख करके दे दें, पेज वाइज क्वेश्चन वाइज, तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, बिल्कुल दे दीजिए. एंड मोनिका आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर सुशीला जी का कॉन्टेक्ट डिटेल विद मी अलॉन्ग विद हर सीवी इफ पॉसिबल. एक्चुअली मैं अपनी बात को कहना क्लियर करना चाहूंगी कि मेरा जो मतलब था अच्छे बच्चे से, वो सिर्फ इतना था कि एक बच्चे ने मेरा समझाया हुआ कंटेंट अगर अच्छे से समझा है तो मैं दूसरे बच्चे को उसके साथ बिठाकर, क्योंकि बच्चे दोस्त होते हैं तो वो टीचर से कहीं ज्यादा उनसे समझते हैं. बिल्कुल सुशीला जी, परेशान मत होइए. ठीक है, हम सभी का वही है अच्छे बच्चे का कॉन्सेप्ट. यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है कि अच्छा बच्चा कौन और बुरा बच्चा कौन. मैं जब अगर क्लासरूम में खड़ी होंगी तो शायद मेरा भी आप ही के जैसे का रहेगा, लेकिन फिर भी कॉन्शियस होना जरूरी है ना. इसीलिए ये बात उठाई गई थी. थैंक यू सो मच. सो ओवर टू मोनिका. मोनिका लेकिन उससे पहले ताशी जी ने हैंड रेस किया. नवनीत जी आपकी बात हम सुन चुके हैं, फोन पे करें बात. हाँ ताशी जी आपकी बताइए.
काशी जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ब्रीफ में आप अपना पॉइंट रखें. काशी नामग्याल जी फ्रॉम लद्दाख, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज पुट इट इन ब्रीफ. हेलो भारती मैम. यस रिजा सर. द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस सेशन, सो नाउ इट्स ऑलरेडी 3:15. आई विल रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 मिनट्स बिकॉज़ इन 15 मिनट्स a new topic itself cannot be taken. It will be difficult. Maybe I will request Dr. Monica to reschedule this leftover session in some and adjust it somewhere else. Because, and they are really keen, so many hands I can already see. Right. So, Monica, is it okay with you? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this very interactive session, I would say. Ma'am, I will add you to the group where all the participants are there, and I'll request them to post their issues and queries in the group so that you can directly also answer there. It will be to benefit to all. Monica, abhi Dr. Rijaul ne kaha ki 15 minute mein he will not be able to do justice with the topic. Yes, ma'am. So ma'am, नहीं मैम उनको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगी. आई विल गिव कंप्लीट हाफ एन आवर अबाउट इट, डोंट वरी. श्योर. यस मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन. यस मैम. लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल. थैंक यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड आई विल इनवाइट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Ma'am, please stop the screen share. Bharti ma'am. So now I'll invite Dr. Rizal to take us through the OER, understanding of OER licenses. And I request you to take this session till 3:45 since we have already exceeded in the previous this thing. So I'm taking a little extra from there. Dr. Rizal, over to you. Rizal sir, are you there? Mute me. You locked my unmuting capacity, right? So I couldn't sorry, do it because you locked it. Thank you. Right. Sir, you can take it till 3:45, no issues. No, I can take is another thing. Whether participants have the energy to continue, because we are already in the post-lunch session and they already had a rigorous session of 1 hour. Sir, we had very interactive session. I think everybody is wide, full awake now. Right, I hope so. That will depend on what I speak and whether I can generate interest or not. So, very good afternoon and a warm welcome once again on behalf of CIT and CRT to all this wonderful gathering of more than 200 people. And this is me. My name is Rizaul Karim. I work as a faculty in CIT and CRT. I also work in the area of e-learning, learning technology, how we can use technology for benefit of teaching learning overall. So, with this idea, I was asked when by the organizers of this orientation program to talk about open educational resources and licensing, right? So although she is generously given me time till 3:45, I won't take half an hour. I'll try to finish it as early as possible. So let me share my screen and please confirm if you can see it. Sir, it is visible. Yeah, thank you. So this is the session about open educational resources and licensing, right? So the thing is, as a SRG, as a teacher, as an individual, as a learner, as a parent, as a human being in this age of 21st century digital age, we keep on accessing so many resources from the web, from the internet, right? We use our mobile phone, we use our laptop, whatever digital device we get access to. And whenever we get access to a internet connectivity, we access and use resources, teaching learning materials from internet.
sometimes we download them, sometimes we watch them directly, we read them directly from the internet, sometimes we download them, use it for our purpose, use it with our students, use it with other audiences. Sometimes we use them as it is, sometimes we download a picture and use it in our presentation also. So we are not only using the picture, based on the picture, we also add our wisdom and we try to explain this through a PowerPoint presentation or whatever means. And sometimes we take a few images and then we create a video, and then in those video making, we use those images. So depending on our nature of requirements, we keep on taking different kind of content from internet. Sometimes we download a PDF file, we learn about something from there, we do take a few paragraphs and then we add ours. And that's how we do. Yeah, sorry for the interrupt, someone came. So the idea is, are we ethically and legally allowed to download and use and share and distribute whatever we want? Is there any restriction? Is there anything that we need to keep in mind while downloading anything from internet? Do we need to give the original creator some credit? If we don't do so, is it only ethically wrong, morally wrong, or is it legally also wrong? So what are the implications? That's what we would like to discuss all about in this week's session, right? Okay. So two things I have mentioned here are copyright and IPR, intellectual property rights, right? So these terms, at least copyright is a term which you might have heard. Copyright, I wanted to explain here, is a right that refers to legal right of the owners of intellectual property. Okay, now that leads to the question of what do we mean by an intellectual property? Okay. So whenever someone invents, develops, creates something innovative, something new, which was never done before, a novel work, it becomes intellectual property of that creator, of that individual, of that organization, whosoever creates that thing. It can be a novel, it can be a poem, it can be a play, it can be a film, it can be a piece of music, it can be any kind of artistic work, including drawings, paintings, photographs, sculpture, any literary work, any scientific work, any architectural design, all those creations, whenever and wherever they have been created or developed first time, discovered, invented first time, they become the intellectual property of the owner, creator. Okay. Why we need to do say that? Because we want to promote innovation, right? Now, one organization devotes years of time and crores of rupees to invent something, a formula, okay, a formula to make a drug, medicine. Now, that organization might spend billions and millions of rupees to create that formula. Now, if we don't give exclusive right of that formula to that creator, what will happen is that from the next day it comes into the market, many other organizations, other medicine manufacturers can quickly, without investing any money into the research, they can start developing or generating a copy of same, replicate that formula and create medicines. Now that is a hindrance to the innovation, that leads to demotivation, right? So that's why to create and to preserve the interest of people in such work, to motivate, to preserve their interest, to preserve their right, it was decided like any new innovative creative thing will be considered as the intellectual property of that person. And copyright is the legal right through which, the mechanism through which we give the legal right to the owner of that person, the origin or ownership of his intellectual property. Okay. So that the second point in my screen shows copyright is the right to copy. So only the owner of that copyright has the power or right to copy. Means if I am the creator and I have the copyright, this is a pen I have invented. And if only I have the copyright, then that means only I can make a copy
multiple copy of this pen and I can sell into the market. Any other organization, any other individual, any other company cannot do make a copy of it because the right is with me. That's what is the simple copyright thing. Okay. Same can happen with a piece of music. If there is a song available on the internet and there is, suppose it is the copyright of a music company called T-Series. That means you do not have the right to copy it in multiple DVDs and sell it into the market or distribute to your friends through pen drive, because only the T-Series has the copyright of this song. Just an example, right? So that means if you are using a copyrighted thing without permission, no, the question comes, how do we use a copyrighted work? Because ultimately we need to use, right? I have developed this pen, invented this pen, created this pen, but other public wants to use it. So how to use it? So one way is you seek permission from me that I want to use your work. Would you allow me? If I say yes, please go ahead and use. Otherwise, you obtain a copyright. You purchase copyright from me. That means you buy a license to use my work. That's how I sell to you. Okay. So a software, when a software is created by, for example, Microsoft. So Microsoft creates operating system or any other software. So they sell. When they sell you a computer or a mobile phone, along with that, they give you one license. Means you purchase a license to use that software. It is still the copyrighted work of that company who created the software, but they gave you one license to use their copyrighted work for once, for only for that device for which you purchased. Means under the terms and conditions in which you purchased that copyrighted work. What are the other modes of using copyrighted work? You can use under fair use policy. Means users of copyrighted work to reproduce and reuse copyrighted work in ways that are considered fair, such as for criticism, for commenting, for news reporting, for teaching. Rahul sir, there's a request if you could go bilingual, slightly more Hindi, if possible. Okay, sure. तो इन ए नर्सल हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर इंटेलेक्चुअल काम होता है जिस किसी ने बनाया तो उसका अपना राइट होता है उसके पास, बाकी दुनिया के पास उसको यूज करने का राइट नहीं होता है। लेकिन हमें फिर भी अगर यूज करने की जरूरत है तो वी कैन सीक परमिशन तीन तरीके से। एक है फेयर यूज कि हम एजुकेशनल पर्पज से, टीचिंग पर्पज से, स्कॉलरशिप, रिसर्च, न्यूज रिपोर्टिंग, क्रिटिसिज्म के पर्पज से उसका क्रिटिक लिखना है, इस तरह का चीजों के लिए आप बिना परमिशन लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते आप वहां लिखेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, उनके काम के बेसिस पे मैं ये टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, ये कर रही है। दूसरा है, आप अगर कमर्शियली भी यूज करना चाहते हैं तो आप उनसे परमिशन सीख करेंगे कि मुझे इंटरनेट में एक चित्र मिला है और जहां मुझे दिखा आपने अपने वेबसाइट में क्लियरली लिख रखा है कि ऑल द वर्क अवेलेबल इन दिस वेबसाइट इंक्लूडिंग कंटेंट, डेटा एंड इमेजेस आर कॉपीराइटेड, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ऑफ एनसीईआरटी। सपोज आपने एनसीईआरटी की वेबसाइट में ऐसा देख लिया कि ऑल द कंटेंट्स गिवन इन द एनसीईआरटी वेबसाइट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एज वेल एज पीडीएफ फाइल्स आर एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ऑफ एनसीईआरटी। इसका मतलब इस वेबसाइट में जितने सामान है वो हमारा कॉपीराइट है एनसीईआरटी का। अब उसके बाद भी अगर आपको एनसीईआरटी का काम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका काम को यूज करना है तो आप उससे लिखित में परमिशन सीख करें, वो दे दे आपको फ्रीली, इट्स फेयर एंड फाइन। नहीं तो देखेंगे क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उस काम को सेल कर रहा है कि नहीं, अंडर लाइसेंसिंग है, क्या आपको एक लाइसेंस दे रहा है, आप खरीदिए और यूज करिए, तो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, कॉपीराइटेड का उल्टा क्या है? पब्लिक डोमेन में जो मटेरियल पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें किसी ने अपना दावा नहीं किया, डिमांड नहीं किया या अपना क्लेम नहीं किया कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे से कॉपीराइट, मेरा ही कॉपीराइट है इसमें, और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे परमिशन बिना या मेरे से लाइसेंस खरीदे बिना। ऐसा अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी मटेरियल में, किसी इंटेलेक्चुअल वर्क में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो वो पब्लिक डोमेन में माना जाता है, पब्लिकली एक्सेसिबल। सो मटेरियल्स दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आर कंसीडर्ड टू बी इन पब्लिक डोमेन, राइट? और पब्लिक डोमेन में जो भी काम होता है वो पब्लिक होता है, नो इंडिविजुअल ओन्स दीज वर्क्स, राइट? दैट्स व्हाई वी से पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं होता, सो दे आर ओन्ड बाय द पब्लिक। और कॉमनली जो कॉपीराइटेड वर्क होता है वो उसका भी एक टेन्योर होता है कि इतने साल के लिए ही कॉपीराइट मिलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉपीराइट
एक्सपायर होता है और वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाता है, राइट। अब पब्लिक डोमेन में कोई काम है, आसान उदाहरण मैं देता हूं आपसे जुड़ा हुआ, जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब में, जब वीडियो आप सर्च करते होंगे तो कुछ वीडियोस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के तहत होता है। आप अगर यूट्यूब में किसी वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे लाइसेंसिंग, उसका डिटेल यूट्यूब के वीडियो के नीचे यूट्यूब में ऐप में या वेबसाइट में वहां पे लिखा होता है लाइसेंसिंग कॉपीराइट। ज्यादातर वीडियो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, कुछ कुछ होगा पब्लिक डोमेन, कुछ कुछ अलग अलग लाइसेंसिंग या कुछ कुछ कॉपीराइट ऑफ दैट एजेंसी दैट ऑर्गेनाइजेशन या वो यूजर। तो पब्लिक डोमेन में जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को अगर आपको यूज करना है तो उनको यूज करने के लिए आपको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप कह दे सिर्फ इतना कह दे कि मैंने यहाँ से सिर्फ ये वीडियो रेफर किया है, दैट्स ऑल। किसी से लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी से कॉपीराइट लेने की जरूरत नहीं। अब लाइसेंस क्या है, तीन चीजें हो गई, एक हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक हो गई कॉपीराइट, एक हो गई लाइसेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इनोवेटिव काम को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं। मैंने जैसे कहा लिटररी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क, डिजाइन वर्क, इस तरह का कोई भी न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव काम को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक जो लीगल राइट होता है सिर्फ एक ही ओनर के पास उसको यूज करने का या कॉपी करने का, उस चीज को हम कहते हैं कॉपीराइट। और लाइसेंसिंग वो मैकेनिज्म है जिसके तहत जो कॉपीराइट होल्डर है वो दूसरे को भी परमिशन देता है आप मेरा काम को इस्तेमाल करिए। मैं मेरे पास एक जैसे मैंने कहा कि ये पेन मैंने ही बनाया और सिर्फ मेरे पास परमिशन है, कॉपीराइट है इसका। अब मैं आपको लाइसेंस दे सकता हूँ कि आप मेरा ये पेन यूज करिए। अब लाइसेंस या तो मैं सेल करूंगा आपको और या तो मैं फ्रीली दे दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशन के तहत दूंगा कि आप इससे सिर्फ ये ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। So licensing is that term that is permission given by the copyright holder for their content. When I give you the license, still copyright is held by the creator. But the creator has decided to allow others to use their work. Sometimes licenses are purchased and sometimes freely diya jata, right? Or Creative Commons ek organization hai jiske tahat, jiske zariye hum amuman internet mein कंटेंट को लाइसेंसिंग करते हैं। अगर हमें पब्लिक फ्रीली अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ कंटेंट बनाया वो फ्री यूज हो, लेकिन कुछ कंडीशन के तहत यूज हो। मैं कमाना मेरा मकसद नहीं है, मैंने एक वंडरफुल पीडीएफ फाइल बनाया जिसमें टीचिंग लर्निंग के बारे में बात हो रही है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत एक अच्छा मटेरियल बनाया, उसको मैं चाहता हूँ मैं अपने वेबसाइट में रखूँ और बहुत सारे टीचर जो इस्तेमाल जो स्कूल में जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं, वो इस्तेमाल करें, पढ़े, समझे। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ शर्त है मेरा इसको इस्तेमाल करने के तहत इस डॉक्यूमेंट, तो वो जो शर्त मैं लिखूंगा वो होगा मेरा लाइसेंसिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर व्हिच आई एम अलाउइंग यू टू यूज माय वर्क, राइट। और क्रिएटिव कॉमन्स इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अलाउज यू टू क्रिएट लाइसेंस फॉर योर वर्क। सो प्लीज लेट मी नो अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को जहां तक मैंने बात किया। I'll be happy to take your answer. कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है, please feel free to unmute yourself and ask me. Okay. So Creative Commons एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर क्या है, उस वेबसाइट में बहुत सारे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। मैं एज ए कंटेंट बनाने वाला, मैं क्रिएटिव कॉमन्स में जो छह मेजर लाइसेंसिंग टेक्निक है, लाइसेंसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं कोई एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाऊंगा उसको मैं डिसाइड करूंगा उन छह में से किसके तहत मैं इसको रिलीज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं वो लाइसेंसिंग अप्लाई कर दिया क्योंकि आई एम द कॉपीराइट ओनर, मैं खुद बनाया वो कंटेंट। अब कल से जो भी पब्लिक यूज कर रहा होगा मेरे दिए हुए शर्त जो लाइसेंस में मैं लिखा हूं उस शर्त के तहत उनको यूज करना होगा। और क्रिएटिव कॉमन्स वो वेबसाइट है जहां पे वो शर्त डिटेल में, कंडीशन डिटेल में लिखा हुआ। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस को समझने के लिए हमें चार मोटे मोटे चीजों की जरूरत है। बाई, यहाँ पे जो मेरे स्क्रीन में चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बाई है, बाई मतलब किसके द्वारा, बाई एनसी मीन्स नॉन कमर्शियल यूज के लिए, और एनडी नॉन डेरिवेटिव वर्क, डेरिवेटिव मतलब होता है कि
मैंने एक चित्र रखा, आपने मेरा चित्र को लिया और उससे कुछ कुछ मॉडिफाई करके थर्ड एक डायग्राम बना लिया आपने, या दो चित्र को मिला के तीसरा चित्र बनाया, दैट मीन्स यू हैव डिराइव्ड समथिंग आउट ऑफ माई वर्क और टू ऑफ आवर वर्क यू टुक टुगेदर, या आपने मेरा चित्र लिया और इंटरनेट से दूसरा एक ऑडियो फाइल लिया, मेरा इमेज के साथ ऑडियो फाइल को लगा के आपने एक वीडियो बना लिया, तो आपने दो काम को लिया और उससे डिराइव किया तीसरा एक वर्क। तो अगर मैं शर्त लगाना चाहता हूँ कि मेरा काम से कोई डिराइव नहीं कर सकता, तो मैं जब लाइसेंस लिख रहा हूँ मैं एनडी लगाऊंगा, राइट, एस ए शेयर अलाइक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, शेयर अलाइक का मतलब है द लाइसेंस मस्ट बी सेम ऑन एनी डेरिवेटिव वर्क। मैं आता हूं नेक्स्ट पेज में, क्या है क्रिएटिव कॉमन्स के तहत हम छह डिफरेंट लाइसेंसिंग देते हैं, CC BY SA, CC BY NC, CC BY NCSA, CC BY ND, CC BY NCND, ये छह लाइसेंस। हम क्विकली देखते हैं क्या है CC BY। लाइसेंस अलाउज reusers to distribute, remix, adapt and build upon the material. Before I speak anything about CC, let me share a real example. Probably it will help better relate because people are not speaking. Suppose मैं Google में गया और मैंने search किया assistive keyboard, एक search किया एक term और मुझे assistive keyboard का image चाहिए, तो आपको मालूम है कि मैं गूगल में जाके असिस्टिव कीबोर्ड लिखा और यहाँ पे ऑल बाय डिफॉल्ट ऑल मतलब इससे जुड़ा वेबसाइट भी दिखाएगा, राइट, जितने सारे इससे जुड़ा वीडियो भी दिखाएगा, इससे जुड़ा इमेजेस भी दिखाएगा, सब तरह का चीजें दिखाएगा और पेज आफ्टर पेज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पेजेस, राइट, इतने सारे रिजल्ट मिल गया मुझे, 8 करोड़ रिजल्ट मुझे मिल गया असिस्टिव टेक्नोलॉजी से जुड़ा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे खाली इमेज चाहिए, तो मैं इस टैब में क्लिक करूंगा इमेजेस। नाउ व्हाट आई कैन सी ओनली इमेजेस, और मेरा सर्च कीवर्ड क्या था, असिस्टिव कीबोर्ड, ये असिस्टिव कीबोर्ड के सारे इमेजेस। अब ये जो इमेजेस है, ये सारे इमेजेस मेरे लिए फ्रीली यूजेबल नहीं है, कुछ कुछ इमेजेस जिस वेबसाइट ने जिस संस्था ने बना के लगाया है उसका अपना कॉपीराइट है उसमें, तो मैं बिना परमिशन का बिना लाइसेंस खरीदे नहीं यूज कर सकता। लेकिन कुछ कुछ इमेजेस ऐसे भी है जिनको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के तहत दिया हुआ है। मैं कैसे ढूंढूंगा, आई विल गो टू दिस टैब, कैन यू सी दिस बटन टूल, इट विल आई अप्रिशिएट इफ यू से यस और नो, बिकॉज देन एटलीस्ट आई विल नो कि वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट। Yes, sir. We can hear you, sir. Yeah. Can you see this button called tool? Thank you, sir. Yes, we can. So if I click on tool, see, I click on tool and new row opens here. Notice again. Size, color, type. I can filter image by type. I can filter image by color. मुझे खाली red color का image चाहिए, blue color का image चाहिए. मुझे size by large, medium, icon size image चाहिए. टाइम कब का, पास्ट 24 आवर में अपलोड की इमेज चाहिए, पास्ट ईयर का, पास्ट मंथ का, पास्ट वीक का, या कभी भी अपलोड हुआ हो वो इमेज चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है यूसेज राइट, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, दूसरा है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। सो आई चूज हियर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। नाउ इफ आई सी दिस फ्लिकर इमेज, इफ आई सी दिस Pixneo image, see यहाँ पे मुझे वो इमेज खुल गया, मैंने यहां से क्लिक किया था, ये इमेज खुल गया, यहाँ पे अलग अलग इमेज खुल गया, यहाँ पे देखिए लाइसेंस डिटेल, so if you see the license detail here, you see that this is under attribution 2.0 CC to buy 2.0 license, इसी license के तहत। इसका मतलब है कि Creative Commons website में बताया हुआ है कि आपके पास क्या क्या right है, you can share, you can adapt, आप copy and redistribute the material in any medium or form, आप distribute करना है करिए, आप remix करिए, transform करिए, build upon the material for any purpose, even for commercial use,
मतलब CC BY, ये जो मेरा मैं स्लाइड में जो दिखा रहा था फर्स्ट लाइसेंस CC BY, तो किसी कंटेंट आपको इंटरनेट में मिलता है जिसके मैं लाइसेंस में लिखा है CC BY, मतलब आपको ये दो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है आपके पास, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना करिए, आप उसको कमर्शियली भी डिस्ट्रीब्यूट करना करिए, आप उसको एडअप प्रीव्यूज रिमिक्स करिए, यू आर अलाउड टू मिक्स एंड चेंज राइट. इफ यू गो टू अनदर साइट एंड ओपन दिस साइट Pixneo, right? Because this is the actual website from which we got these images. यहां भी आप देखेंगे इस Pixneo वेबसाइट में लाइसेंस दिया हुआ है फ्री टू यूज CC0. नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस इट टेल्स यू कि व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड, क्या क्या आप कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल इमेज या इंडिविजुअल वीडियो ऑडियो PDF के नीचे मिल सकता है आपको लाइसेंस डिटेल, और या फिर कुछ कुछ वेबसाइट अपने होम पेज में ही लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जहां वो कह देते हैं कि पूरे वेबसाइट में जितने कंटेंट है उनका क्या लाइसेंसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट दे मेंशन देयर. तो आपको एकदम रेडीमेड कोई कॉमन बटन नहीं है कि जहां पे जाने से कॉपीराइट के बारे में पता लग जाए, आप जितना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली यू विल बी स्किल्ड एनफ टू फाइंड आउट द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन. तो ये था सबसे सिंपल CC BY, ये मतलब रेस्ट रेस्ट्रिक्टिव, सिर्फ आप बता दीजिए कि ये इनका इनका ओरिजिनल क्रिएटर ये है, बाय एट्रीब्यूट लगाइए, आप ये दो लाइन लिख दीजिए CC BY, मतलब मैंने इनका काम लिया है और कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, सिर्फ इतना बताना है, एट्रीब्यूशन देना है ओरिजिनल यूजर, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव है. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है this allows users to distribute, remix, adapt and build upon the material in any medium or format as long as attribution is given to the auditor creator. License allows for commercial use, no harm. If you remix, adapt or build upon the material, you must license the modified material under identical terms. मतलब ये है कि आप अगर CC BY ऐसे वाला कंटेंट लाएंगे उसको लाके आप डिस्ट्रीब्यूट करना है करिए, ठीक है. कहाँ हम यहाँ पे है, CC BY ऐसे लिखा हुआ कोई मटेरियल मिलेगा तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, आप उसको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिर से पब्लिक के साथ शेयर करेंगे थ्रू इंटरनेट तो आपको उसको CC BY ऐसे लाइसेंस के तहत ही रिलीज करना पड़ेगा. आपने CC BY ऐसे लेके शेयर अलाइक हटा के खाली CC BY अपलोड कर नहीं कर सकता. Okay. और किसी कंटेंट में CC BY NC मिलेगा तो मींस NC का मतलब ही है नॉन कमर्शियल, उस कंटेंट को लाके आप अपने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप अगर कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं जहां पे यू अर्न मनी तो वहां पे आप अपना CC BY NC वाला कंटेंट लाके इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज NC का मतलब ही है कि ओनर ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, लाइसेंस आपको दिया है लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है NC कि नॉन कमर्शियल, सिर्फ नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए. और ये क्या है, NC के साथ ऐसे भी लगा दिया कि आप नॉन कमर्शियल भी यूज करेंगे और अगर आप मॉडिफाई करेंगे अडॉप्ट करेंगे, ये जो लास्ट लाइन है, इफ यू रिमिक्स अडॉप्ट और बिल्ड अपॉन द मटेरियल यू मस्ट लाइसेंस द मॉडिफाइड मटेरियल अंडर आइडेंटिकल टर्म्स. और एनडी का मतलब क्या है कि आप मेरा काम को मेरे मटेरियल को एज इट इज यूज करिए, यू कांट चेंज एनीथिंग, नो डेरिवेशन बेटिव और एडॉप्टेशन ऑफ द वर्क आर परमिटेड. आप मेरे इमेज को, मेरे ऑडियो वीडियो को, मेरे PDF को या मेरा कोई भी और वर्क है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको एज इट इज डिटो इस्तेमाल करना है, दिस इज द कंडीशन. और ये दोनों मिक्स हो गया और रेस्ट्रिक्टिव है कि आप डिराइव भी नहीं कर सकते और आप कॉमर्शियल पर्पज से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. और ये है नो रेस्ट्रिक्शन पब्लिक डोमेन.
तो मैं सीसी बाई एनसी में और डिटेलिंग में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन 542. इफ यू हैव एनी क्विक क्वेश्चन वी वुड लाइक टू टेक. सर मेरा एक क्वेश्चन है. या अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई फिल्म सॉन्ग है, फिल्म सॉन्ग में मैंने एक लिया था अजीब दास्तां ये. मैंने एक सॉन्ग लिया था उसका अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म. उसी पे मैंने एक पोएम ली थी, उसमें मैंने लिया था सूरज डूबा हुआ अंधेरा, तिरिया लेने लगी बसेरा, दिन का ऐसे ही. तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है लाइसेंस का? देखिए इसमें डिटेलिंग में आपको जाना पड़ेगा कि जैसे लिटररी वर्क होता है या म्यूजिकल वर्क होता है उसमें कॉपीराइट कुछ एक साल तक के लिए दिया जाता है. उसके उतने साल के बाद ऑटोमेटिकली उसका कॉपीराइट एक्सपायर हो जाता है, फिर ओरिजिनल ओनर उसको क्लेम ही नहीं कर सकते उसका. ओके सर. ओके, ना उनके फैमिली उनको रॉयल्टी क्लेम कर सकते. ऑटोमेटिक आफ्टर सर्टेन ईयर उसका हो जाता है. तो जो सॉन्ग आपने बताया मेरे ख्याल से बहुत पुराना सॉन्ग है. यस सर. फिर भी आपको उसका गूगल करके देखना पड़ेगा क्योंकि एक गाने में दो तीन एस्पेक्ट है. एक लिरिकल एस्पेक्ट है, आपने लिरिक्स तो कॉपी नहीं किया लेकिन आपने शायद म्यूजिकल एस्पेक्ट को कॉपीराइट किया है क्योंकि आपने उसी टून में गाना कविता लिखा है आपने. यस सर. राइट राइट. थैंक यू सर. यस सर. या प्लीज बताएं. राकिर कुरबाई फ्रॉम लद्दाख कारगिल. जी जी सर. आपने जिस तरह से सीसी का एक मिसाल इंटरनेट के जरिए हमें समझाया तो हर एक जो लेसन्स का एक एक मिसाल आप समझाएंगे तो बहुत आभारी होंगे सर. नहीं मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका, डिमांड बहुत अच्छा है बट मैं माफी चाहूंगा उसके लिए फुल फ्लेज्ड सेशन की जरूरत है एक एग्जांपल ले लेके दिखाने का. मैंने आपको जस्ट शुरुआत दिया है और इंटरनेट सर्च इंजन के जरिए सर ऐसा कोई चीज नहीं है आज के डेट में जो हम नहीं समझ सकते. आप एग्री करेंगे मेरे से? तो मैंने आपको जस्ट एक शुरुआत पकड़ा दिया है कि क्रिएटिव कॉमन्स. अब आपको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग गूगल में जाके कल यही सर्च करिए कि हाउ टू सर्च ई कंटेंट लाइसेंस अंडर क्रिएटिव कॉमन्स. आप देखिए कितना सारा रिसर्च मटेरियल मिलता है. थोड़ा सा आप आर&डी करेंगे तो आप शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको शुरुआत पकड़ा दिया है सर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग. रिमेंबर क्रिएटिव कॉमन्स इज जस्ट वन ऑफ द मेनी पॉसिबल और अवेलेबल टाइप ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. MIT लाइसेंसिंग है, Mozilla लाइसेंसिंग है, मेनी मेनी अदर लाइसेंसिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल. क्रिएटिव कॉमन्स इज मोस्ट पॉपुलर बट वन ऑफ द लाइसेंसिंग मैकेनिज्म. थैंक यू सर. मार एक्सक्यूज मी सर, अभी इस टॉपिक पे लाइसेंस वाले टॉपिक पे और एक सेशन हो तो बहुत बेहतर रहेगा सर. एक अच्छा से हम आपके रिक्वेस्ट को आगे तक पहुंचाएंगे डिपेंडिंग ऑन. सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूं सभी के लिए. सर एक क्वेश्चन था मेरा. सर एक मिनट सर, मैं आपको कुछ हेल्प करना चाह रही थी कि अभी मैं आप लोगों के साथ आज एक लिंक शेयर करूंगी. वो OER का 2 hours का एक कोर्स है, पूरा ऑनलाइन कोर्स है और 2 घंटे में आपकी OER की जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर ने दी है उसके आगे की अंडरस्टैंडिंग आप उससे काफी सारी ले पाएंगे. आई जस्ट कीप माय माइंड, शी इज रियली रियली राइट. एक वंडरफुल कोर्स है उसके, उसको आप गो थ्रू करेंगे 2 hours का कोर्स है सिर्फ. तो आपको और आई एम श्योर एज शी हैज ऑलरेडी सेड, आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट शी सेड, और क्लैरिटी होगी आपकी, इजाफा होगा आपके अंडरस्टैंडिंग. सर एक चीज मेरे को पूछनी थी. जी मैडम. सर एक्चुअली इसको मैम ग्रुप में शेयर करिएगा प्लीज लिंक को. बिल्कुल. इसको जो हम सर एक्चुअली पहले हम लोग जो फ्री वेयर्स यूज करते थे जैसे कोई छोटा सा ऐप है पहले जो उसमें यूज करते थे विंडोज में तो फ्रीवेयर करके सर्च करते थे. तो जो फ्रीवेयर्स होते थे उनमें कोई लाइसेंस नहीं होता तो वो फ्रीवेयर करके पड़े होते थे तो उसको हम स्क्रिप्ट डायरेक्ट यूज कर लेते थे अपने सॉफ्टवेयर बनाने में या कुछ करने में. तो क्या सीसी बिल्कुल फ्रीवेयर की तरह है कि जैसे आप दूसरे तरफ डिस्कशन को छेड़ रहे हैं. थिंग इज
what licensing I was talking about is in the context of e-learning material only, not software. Licensing of software is a different topic. Then we will start our discussion with the concept of FOSS, free and open source software, freeware, and proprietary software. अलग category है sir. ठीक है sir. वो अलग domain है कि एक हो गया कि Microsoft Windows या Microsoft Office या Adobe का कोई भी tool, Adobe Photoshop, वो एक proprietary software है जिसको हम खरीदते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं. गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, हमसे गूगल कोई पैसा नहीं मांगता, इट इज अ फ्रीवेयर. तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इन तीनों में फर्क ये है कि पहला वाले में हमसे पैसा मांगता है, बीच वाले में पैसा नहीं मांगता, फ्री देता है, तीसरा वाला भी फ्री है. अब पहला और दूसरा में फर्क ये है कि पहला वाला पैसा मांगता है, दूसरा वाला फ्री है. बट दूसरा और तीसरा में फर्क ये है कि जो थर्ड वाला है फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री भी है ओपन सोर्स भी है, उसमें आप लिनक्स में जाके प्रोग्रामिंग करके चेंज भी कर सकते हैं उसका फंक्शनलिटीज को. लेकिन गूगल क्रोम में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, भले गूगल ने फ्री दिया है आपको, बट जो भी लाइसेंस के तहत उसने फ्रीली दिया है, यू हैव टू यूज द सॉफ्टवेयर एज इट इज. सो ए फ्री वेयर कैन बी यूज फ्रीली, बट यू कैन यूज ओनली एज इट इज, यू कैन नॉट चेंज इट. A free and open source software is something which you can use not only freely, you can, if you have the technical know-how, you can change it also. So, those are two different things, sir. I hope I have given you a little bit of overview. Sir, okay, sir. I have one question, sir. Thank you very much, sir. Sir. Bahut achha, sir, explain kiya. Sir. Hello, sir. Ji, main sun pa raha hun. I have one question here. No, please. Usually when I... look into Google for sort of whatever I needed for mathematics and all that, it you don't have this option of CC and NC and all that. I didn't see that, you know. Where can I find that? See, that's what I told you, sir. Unfortunately, there is no single point where there is no uniformity across websites regarding licensing. Some websites talk about licensing for in one single page. They will have a tab for licensing and they will speak about licensing of all content of their website in that single page. Some websites are really, really professional. They will talk about licensing in each and every, below each and every content, the way I showed you example. And some are careless. They don't even know about licensing. So they don't even mention about anything about licensing. Yeah. Usually what happens, you find all these three type of people there on the internet. Usually whenever we want to find small things on Google and all that, which we copy in our but as a academician, we should be cautious what we are using. Yes. But whatever you are talking, that we don't see most of the time. It's a kind of a new concept for us, because you know, right. CC and NC and all that are totally a new concept. Right. So right. Yeah, you know, we have been preparing e-content for the last some months, but then you know, maybe you know, for people like who are preparing e-content in social studies, science, and all that, they might find that you need to be cautious. You never know. 3 years down the line, someone might say that you have done piracy. Your work is pirated. Yes. Sir, there is a question in the chat box. Creative Commons has retired this legal tool and does not recommend that it be applied to works. Does it mean? Yeah, it is because Creative Commons अपने licensing को हर साल version ही करता है. हर साल तो नहीं, समय समय पे. जो licensing का example मैंने दिखाया था CC by 2.0 था. आज के date में Creative Commons का licensing version 5.0 चल रहा है. तो इसलिए Creative Commons कह रहा है कि वो version 2 के तहत उस समय licensing था. आज अगर आज के date में आप अपने content पे licensing apply करेंगे हमारे through, तो आप वर्जन 5.0 यूज करिए, वो रिटायर्ड वाला लीगल टूल को इस्तेमाल मत करें. उतना ही बात कह रहे हैं, और कुछ? थैंक यू सर. यू टॉकिंग अबाउट पायरेसी, नो व्हाट वाज इट अबाउट पायरेसी? पायरेसी मींस अगर मेरा इफ यू आर यूजिंग समथिंग ऑन फॉर व्हिच ओनली आई हैव द कॉपीराइट एंड यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम मी टू यूज इट. अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके मूवी देख रहे हैं, because you were supposed to pay the creator of the director and producer of the movie and watch the movie. If you are downloading illegally and watching it, is a piracy. Same way,
अगर मैंने अपना कॉपीराइटेड वर्क इंटरनेट में रखा है, अगर मैं चाहता हूं कि कम से कम आप मेरे को रिकॉग्नाइज तो करिए, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग मी, एट लीस्ट गिव मी रिकॉग्निशन। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको डाउनलोड करके आप क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा अपना काम है, मैंने कहीं से नहीं लिया, तो दैट इज पायरेसी। Yes, yes, yes. This I understand. But you know, most of the things we are from Google, you don't have this copyright and all that. Is it true? Hey, hey, they have copyright. You have to find the way, you have to shine your skill to search for copyright at the right place of the website. I hope I would suggest you that lots of these queries will get automatically resolved once we go through the course that Dr. Monica is suggesting. So I'll humbly request you all to kindly go through the course, and if there are still doubts, then we are there. We'll try love to help. Sir, iska matlab nutshell mein ye hua kya? Aap boliye sir, boliye. Nahi nahi, aap boliye sir. मैम इसका नटशेल में मतलब ये होगा कि अगर कोई भी हमें ये कंटेंट डेवलप करना है तो हमें ये पेटेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, पायरेसी वगैरह का, सो दैट हमारा ये कंटेंट जो है वो वैलिड रहे। बिल्कुल सर, सर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप ई कंटेंट क्रिएट करें, जैसे आपने खुद एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें कोई इमेज बाहर से नहीं ली है या किसी तरह का नहीं है, सब कुछ आपने खुद किया है, उसका इमेज भी खुद बनाया है, पूरा वीडियो बनाया है, ऑडियो खुद रिकॉर्ड किया है, तो उस केस में जब आप उसे किसी वेबसाइट पे डालें तो अपना लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स का या जो भी पब्लिक डोमेन के लाइसेंसेस है उनमें से उसको सिलेक्ट करें जो उस वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो दैट आपका कंटेंट अगर कोई यूज भी करे तो आपको एक तो एट्रीब्यूशन देगा, आपका नाम लिखेगा कि मैंने उनका लिया है, प्लस आपका जो एक वो है आपके नाम पे एक कॉन्टेंट भी आ जाएगा। दूसरा, आप भी जब यूज करें फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह, वो कोट करना है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री है या ओपन सोर्स है, इट इज जस्ट द उनकी समझ नहीं है कि वो लाइसेंस बताएं, पर आप अपने काम में उसको जरूर ऐड करें। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला था कि सर की पीपीटी में नीचे की तरफ क्या है लाइसेंस, उन्होंने अपनी पीपीटी को क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर रिलीज किया है, ये डिक्लेरेशन है वहां पे जी, इसका मतलब सोर्स नीचे लिखना है। बिल्कुल, आप एक इमेज भी खींचते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा एक इन्फोग्राफिक आपने बनाया है या कुछ है जो एकेडमिकली यूज हो सकता है, तो आप उस केस में उसके साथ एक सीसी बाय उसका जो भी आपको लाइसेंस अप्रोप्रिएट आपके काम के लिए लगता है वो आप यूज करें। मैम ये विजय जी आपका क्वेश्चन है सीसी और पब्लिक डोमेन में क्या फर्क है, तो मैं पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मैं वो कोर्स का लिंक व्हाट्सएप पे पोस्ट करूंगी, आप एक बार कोर्स करिए, ये वाले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए संजय जी। तो मैम इसका मतलब मान लो हम कोई क्रिएशन करते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिख के दें। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिखें या गूगल में सिलेक्ट करें अपलोड करते हुए फोटो, या यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां भी ऑप्शन आता है, आप उस लिंक को क्लिक करें कि आप उसे क्रिएटिव कॉमन्स में रिलीज करें। मैम यदि इसकी छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है सर, एक बार आप ये कोर्स प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए, ये कोर्स आप एक बार करिए, जो क्वेरीज होंगी आगे आने वाले सेशंस में आप पूछिए, उनको हम लोग एड्रेस करते जाएंगे साथ साथ, पर पहले इस कोर्स से आप लोग की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ जी मैम, अगर ये OER वाला कोर्स जो अगर पहले किया हुआ है तो फिर करने की जरूरत तो नहीं? नहीं सर, अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप वही सर्टिफिकेट जब मैं असाइनमेंट के लिए आपका गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अब एक चीज और मैं जो बताना चाहती हूँ सभी को, सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ रिजाउल सर को, जो इस वक्त आई थिंक नहीं हमारे साथ है, बट फिर भी I thank Rizal sir for taking this session and provoking. No, I'm here, Monica. I'm here, Dr. Monica. Thank you. Okay, sir, I thought you got busy somewhere. Thank you. Thank you, sir, for this very interactive session and provoking lots of questions. Now, I want to tell that I have posted a link for attendance in the chat box and I have closed the WhatsApp group so that nobody can post that link there in the group. Whoever is attending the session, please mark your attendance in that Google form and don't share it further with anybody who is not attending. Okay? I hope everybody is attending since the number is showing me here as number of participants.
but please don't share it further. And we have lost the time for the break. Now, can we go for the next session? Or we need 10 minutes break? I'm asking all the participants now. You can tell me through the chat. मैम सुबह से लगे हुए हैं अब थोड़ी से यू नो चाय वाय लेंगे फिर वी नीड अ ब्रेक मैम ठीक है 10 मिनट का ब्रेक मैं दे रही हूँ 4:10 पे शार्प आप लोग आ जाइएगा क्योंकि काफी लेट हो चुका है ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट है तो 4:10 पे वी विल स्टार्ट द सेशन बैक ओके मैम ये अटेंडेंस अभी मार्क करनी है क्या हाँ 4:30 तक ये फॉर्म खुला हुआ है 4:30 बजे क्लोज कर देंगे और मोनिका 10 लोग डीईई से भी ज्वाइन करेंगे ये चैट बॉक्स कहाँ है मैडम सुबह अटेंडेंस की थी क्या दोबारा करनी है सुबह कोई अटेंडेंस नहीं हुई थी सर सुबह रजिस्ट्रेशन किया था अभी अटेंडेंस मार्क हो रही है हम लोग दिन में 2 बार अटेंडेंस मार्क करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी और ये अटेंडेंस चैट बॉक्स में कभी चैट बॉक्स में लिंक नहीं है मैम आज तो एक बार ही किया हाँ आज की एक ही बार हुई है क्योंकि हम लोगों ने सुबह रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके थ्रू भी मुझे आपकी अटेंडेंस मिल गई है अभी ये दूसरी बार वाला ये है अभी लिंक सर ने शेयर किया है इंदु जी मैम जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अटेंडेंस करने से चलेगा मैम क्या मोनिका हाँ जी मैम कैन वी म्यूट एवरीवन फॉर सम टाइम प्रोफेसर सनवाल इज देयर नो नो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हिच इज द नेक्स्ट सेशन इज दैट गोइंग टू बी ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग द नेक्स्ट वन हां 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 इट इज गोइंग टू बी ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड इट विल बी फ्रॉम 4:10 नाउ सिंस द पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग अ लॉन्ग सेशन एंड वी जस्ट एक्सीडेड टाइम फॉर द लास्ट सेशन सो ब्रेक दे रहे हैं अभी हां अच्छा ठीक 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं 4:10 पे हम स्टार्ट करेंगे Sure. Okay, thank you. Yes, ma'am. Right. Thank you. Thank you.